एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, जैसे कि हम सब मॉर्निंग में रहते हैं बहुत ज्यादा। और यहाँ पर जो है मैंने पूजा पाठ मेरी सब हो गई है, नाना धोना पूजा वगैरह सब हो गई। आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर बच्चों के पापा जी तो ऑफिस जा चुके हैं, तो उनके लिए तो मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था। तो वो पहले मैंने कहा भाई ऑफिस जाने वालों को ऑफिस भेजा जाए शांति से। थोड़ा परेशान भी हो रही ईशान की वजह से, क्योंकि उसके पेट में जो है वो कल से दर्द हो रहा है, कल रात से। तो देखती हूँ हो सकता है गर्मी से भी हो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है सच में। अब थोड़ा ना स्कूल वालों को भी रियायत करनी चाहिए और छुट्टियां कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बाहर जा रहे हैं, लू वगैरह लगती है ना, तो छोटे बच्चे हैं बीमार जल्दी हो जाते हैं। दोनों बच्चे जो है वो घर पे, इसलिए क्योंकि आज ऑनलाइन क्लास चल रही है, क्योंकि आज है 10th का साइंस का एग्जाम है। ये इसके लिए मैंने 2 नारियल ले लिए थे, तो मैंने कहा दिन भर में इन्हें पीता रहेगा। दे दूं तुझे नारियल पानी? ना बेस्ट होता है अगर गर्मी वगैरह के लिए ना। और अब मैं इसको नारियल पानी दे देती हूँ ईशान को। लो भाई ईशान। ओ नारियल पानी। हाँ नारियल पानी पी, क्योंकि गर्मी में ना इससे बहुत आराम मिलेगा। मुझे लग रहा है तेरी गर्मी से हो रही तबीयत खराब है ना। तो टिम्मी जो है वो गिलास में पीता, कह रहा मैं मुझे गिलास में निकाल के दे दो मैं तब पीऊंगा। और देखो पूरा गिलास भी नहीं भरा, जबकि नारियल वाला कहता है कि जी एक गिलास पानी निकलेगा पूरा, आधे गिलास निकला है बस। और अब मैं इसको टिम्मी बाबू को दे दूं। येलो स्ट्रॉ पियो। और मॉर्निंग के हो चुके हैं आधे से ज्यादा काम, मतलब बर्तन वगैरह मैंने सब धो दिए हैं, पूरी क्लीनिंग वगैरह सब हो गई। और यहाँ पे मैंने राजमा भी बॉईल करके रख दिए, क्योंकि आज मुझे अपने टिम्मी के डिमांड पर राजमा बनाना पड़ रहा है। तो कल ही टिम्मी ने बोल दिया था कि मम्मा मुझे तो राजमा खाना है, तो मैंने ना रात ही राजमा भिगो दिए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो ईशान है उसके पेट में दर्द हो जाएगा, और वैसे भी ईशान जो हमारा वो राजमा खाता नहीं है, इसलिए अब मैं उसके लिए खिचड़ी बनाऊंगी। कपड़े वगैरह भी मेरे सारे धुल गए, कपड़े भी मैंने छत में डाल दिए थे। और यहाँ पर आज दोबारा से मुझे इन गद्दों को, जो मेरा दीवान कम बेड है उसको दोबारा से, उसके जो गद्दे थे उनको छत में रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग में क्या हुआ, यहाँ पे गलती से बच्चों पानी गिर गया, यहाँ पे बस गलती से गिर गया पानी। तो फिर वो गद्दे गीले हो गए थे, तो मैंने कहा चलो यार इनको जरा छत में रख दूं, क्योंकि धूप काफी तेज है तो अभी सूख जाएंगे तो जल्दी से। तो अब मैं बर्तन संभाल रही हूं, और बर्तन प्लेट्स वगैरह सब सूख चुकी है। लेडीज के काम पूरे दिन खत्म नहीं होते, और फिर भी कहा जाता है कि तुम घर में करते क्या हो। सुबह होती है तो दिन की फिक्र हो जाती है, दिन होती है तो रात की फिक्र हो जाती है, फिर रात होती तो अगले दिन की फिक्र हो जाती है ना। और फिर भी कहा जाता है कि तुम घर में करते क्या हो, घर में आराम से तो हो, बाहर तो कहीं जाना पड़ता है नहीं। डाल दिया है जीरा, और जीरा चटकने लगा है, तो उसके बाद डाल दूंगी उसमें लहसुन, और अब उसमें डाल दूंगी प्याज। और अब जितनी देर में यहाँ पर प्याज जो है वो फ्राई होगा, अब मैं उतनी देर में यहाँ पर टमाटर को कद्दूकस करके रख दूंगी, ताकि जो है मेरा एक पिक टाइम, मेरा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। और जब राजमा बनाते हैं ना, तो उसमें प्याज टमाटर जो है वो अच्छे से डाला होना चाहिए, उससे स्वाद आता है। अब जितनी देर में देखो ये प्याज फ्राई हो चुका है, उतनी देर में मैंने ये टमाटर भी कद्दूकस कर दिए थे, और अब इन्हें भी डाल दिया इसमें। थोड़ी देर टमाटर और प्याज को पकाऊंगी, जिससे दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब मसालों में एज यूजुअल पहले इसमें मिर्च डालूंगी, सबसे पहले मिर्च, हल्दी, हल्दी थोड़ा कम डालूंगी, क्योंकि जब मैंने राजमा बॉईल किए थे ना तो उस समय मैं हल्दी डाल चुकी थी, इसलिए मैंने हल्दी कम डाली है। फिर अपना वही धनिया, जिसमें गरम मसाला भी ऐड है, मैं डालती हूँ नमक। तो नमक भी मैंने जब राजमा बॉईल किए थे तो मैंने डाल दिए थे, इसलिए उसको ध्यान में रख के नमक भी कम डाला है। और अब सारे मसालों को अच्छे से पकाएंगे, जिससे वो प्याज और टमाटर में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब मसाले जो थे वो अच्छे से पक गए थे, अब मैं इसमें राजमा जो बॉईल कर रखी है वो डालूंगी। पर उससे पहले थोड़ा जो है करछी से इस तरीके से राजमा को थोड़ा मैश कर दूंगी, इससे क्या होती है ग्रेवी अच्छी बन जाती है। अब मैं इसमें राजमा डाल दूंगी। तो अब इस राजमा में
जब एक उबाल आ जाएगा तो फिर मैं जो गैस है इसको सिम कर दूंगी। और अब ये कुकर हो गया है खाली और अब इसमें मैं बनाऊंगी ईशान के लिए खिचड़ी। तो है ना अजीब सी बात कि एक तरफ तो राजमा बन रही है और एक तरफ खिचड़ी भी बनानी पड़ रही है। तो कोई बात नहीं, जैसी सिचुएशन हो, जैसे हालात हो, उसके अनुसार हमें रहना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। और अब इधर मैं बना रही हूँ खिचड़ी, तो फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें पानी मिला दूंगी, दो तीन चार सीटी में बन जाएगी। और इधर खिचड़ी भी बनकर हो गई है रेडी, तो चार पांच सीटी आएगी, उसके बाद इसको सिम कर दूंगी थोड़ी देर। और चावल उधर मैंने भिगो के रख दिए हैं और इस पे अब आ गई है चार पांच सीटी, तो मैंने इसको अब सिम कर दिया। और साथ के साथ इस तरीके से मैं अपनी गैस को गीला कपड़े से स्लैब को मैं साफ करती रहती हूँ, तो इसलिए जो होते गंदी नहीं होती, बार बार साफ रहती है। स्टैंड में लेकर आई थी संडे को, तो ये स्टैंड मुझे बहुत अच्छा लगा। जब स्पेस कम हो ना तो ये बहुत ही बेस्ट होता है। तो उसमें देखो स्पून स्टैंड भी आ गया, दोनों ऑयल की बोतल आ गई, घी का जो डिब्बा है वो भी मैंने उसी में रख दिया, और सामान फैला हुआ नहीं लग रहा। धूप इतनी तेज है, अब तो भाई मम्मा 5 मिनट भी सूख जाता हूँ। 5 मिनट में अभी तो डाला था, पानी गिर गया था, मैंने इसको सुखाना नहीं। चावल भी बन गए, उधर बेडशीट भी बिछा दी है और इधर अपना खिचड़ी भी बनकर है तैयार। तो ईशान को ऐसी खिचड़ी पसंद है, ऐसे टाइप में नहीं पसंद उसे, ऐसी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी सी खिचड़ी उसे अच्छी लगती थी। और लंच वगैरह सब हो गया है और इधर मैंने बर्तन भी धो दिया और इधर भिंडी भी धो के रख दी है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि दिन का खाना खाओ तो रात की चिंता हो जाती, फिर रात का खाना खाओ तो अगले दिन की फिक्र हो जाती है। अब फ्रिज की थोड़ी क्लीनिंग की थी मैंने, तो वो मैंने लंच के बाद ही की थी। तो ये मैंने यहाँ पे टोकरी वगैरह जो है वो धोके भी रख दी है, क्योंकि आज मैंने कहा था ना ट्यूसडे को मैं मार्केट जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, वीकली मार्केट है तो सब्जी लेकर आती हूँ। तो आज जो है ट्यूसडे तक लगभग सारी सब्जियां खाली हो जाती, खत्म हो जाती हैं, तो फ्रिज भी खाली खाली था, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा इसको भी क्लीन कर दिया जाए। और थोड़ा फ्रिज की भी क्लीनिंग कर दी थी, थोड़ा टाइम लग गया था, 4:40 हो गए हैं। और अब मैं सब्जी लेकर आ गई थी, तो वीकली मार्केट है तो ठीक रहता है, सब्जी लेकर आ जाओ एक साथ, सारी सब्जियां एक तो अच्छे से मिल जाती हैं, ताज़ा थोड़ी ताज़ा सब्जियां भी होती हैं। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि घर के आगे मैं सब्जियां लेती हूँ कई बार इमरजेंसी में, तो वो सब्जियां इतनी फ्रेश नहीं होती, तो वहां पे थोड़ा फ्रेश सब्जी मिल जाती तो इसलिए चली जाती। पहले मेरी इच्छा नहीं कर रही थी पता है जाने की, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के बाद थोड़ी थकान तो हो ही गई थी, फिर पहले मेरी इच्छा नहीं कही, मैंने कहा छोड़ के आ जाना, फिर अचानक से लगा कि नहीं यार चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आलस करा तो वो अपने लिए ही मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि फिर जो है पूरे हफ्ते जो है थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाती है। ये बॉक्स मैंने जो है पहले धो के रख दिया था, अब इसमें सब्जियां जो है वो संभाल दूंगी। तो भिंडी की सब्जी बनी हुई है और राजमा दिन में बनाए थे तो राजमा भी रखे हुए हैं, आटा गूंदा हुआ, बस फटाफट अब रोटी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को कल जाना है स्कूल, तो उन्हें वही टेंशन रहती है कि भैया उनको टाइम पर सुलाना है। और अभी तो ईशान को दवाई भी खिलानी, तो फटाफट पहले उसे खाना खिला दूं। और अब सारे काम हो गए थे, बर्तन वगैरह भी सब धुल गए हैं और अब ईशान को खिलानी है दवाई। ये ले, ये सारी खानी है, सारी एक एक है, तो ये ले भाई, पहले मैं एक एक करके खा लेगा ना। तो यहाँ पर दवाई खानी पड़ रही है इसको, थोड़ा गर्मी भी है। कैसे निकली मैंने, मेरे को लगा पानी पी, नहीं पानी पी, पहले पानी पी जाए, पूरा गिलास पानी पी जाए, वो कह रहा था गर्मी से भी होता है और पानी खूब पिलाना। तो बस अब मैं भी ब्लॉग को एंड करती हूँ, दवाई खिलाती हूँ उसे, अब वो सो जाएगा। तो थोड़ा फिक्र तो रहती है बच्चों की ना, ये मौसम है ही ऐसा, गर्मी का मौसम है, इसमें गर्मी के मौसम में जो तबीयत वगैरह खराब हो जाती है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पानी पीना चाहिए, बच्चे पानी भी तो नहीं पीते हैं ना, उनके साथ यही तो दिक्कत होती है। चलिए मैं ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।